Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. और इस वक्त मैं मौजूद मोदी नगर के हॉस्पिटल स्पर्श हॉस्पिटल में हूँ। आपको बता दूँ मेरे साथ डॉक्टर नरेश गर्ग हैं, यहाँ पर कोविड के पेशेंट देख रहे हैं लगातार। आपको ये बताते चलें कि किस तरीके से एक महामारी में भयंकर स्थिति अब हो चुकी है कि लाखों जाने जा चुकी हैं और लगातार जाने पर भी हैं, तो ऐसे में जो डॉक्टर कोविड के पेशेंट देख रहे हैं किस तरीके से उनके सामने समस्या खड़ी हो रही है, पेशेंटों किस तरीके से देख पा रहे हैं, क्या क्या समस्या उनके सामने भी आती है। जी सर, जैसे कि आप कोविड के पेशेंट अब सभी को अलाउट कर दिया, पहले कुछ हॉस्पिटल थे जो कोविड के पेशेंट देख रहे हैं, सब कुछ आपके भी प्रॉब्लम लेके क्या आप लोग? हम लोग यहाँ पर कोविड के इंडोर पेशेंट नहीं देख रहे हैं, केवल ओपीडी में जो बुखार के पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं उन्हीं लोगों को हम लोग देख रहे हैं। आजकल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, खासकर पंचायत चुनाव के बाद बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है। पिछली बार गाँवों में इन्फेक्शन नहीं फैला था, इस बार गाँवों में भी इन्फेक्शन फैल गया है। अचानक से मरीजों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मरीज बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ज़्यादातर डॉक्टर कोविड से सफ़र कर गए हैं, उनको खुद को कोविड हो गया है और उन्होंने अपनी ओपीडी बंद कर दी है मजबूरी में। इसीलिए कुछ दो तीन डॉक्टर हैं जो अभी मोदी नगर में पेशेंट देख पा रहे हैं, डॉक्टर अनिल सिंह हैं, डॉक्टर लोकेश कुमार हैं या मैं देख रहा हूँ, तो अचानक से पेशेंट का बर्डन बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन पेशेंट मैनेज हो पा रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई यदि अच्छी मिल जाए तो ऐसा नहीं है, पेशेंट मैनेज हो पा रहे हैं यदि अच्छा इलाज मिले मरीज को तो। जान रिकवरी, इसका रिकवरी रेट है ऊपर? नहीं, रिकवरी रेट है, इस बार मॉर्टलिटी कम है। पिछली बार लगभग 2.5-3% की मॉर्टलिटी थी, इस बार 1% की मॉर्टलिटी है। ऐसा नहीं है, मतलब इस बार फैला तो ज़्यादा है लेकिन मॉर्टलिटी उतनी ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात हम देख पा रहे हैं कि ज़्यादातर हॉस्पिटलों में अभी डिस्टेंस नहीं बना हुआ, जिस चीज़ को लगातार गवर्नमेंट कह रही है, जिस चीज़ को WHO लगातार कह रहा है कि डिस्टेंस बनाइए, डिस्टेंस बनाना, अगर इस महामारी से हमें बचना है तो डिस्टेंस बनाना पड़ेगा, हमें डिस्टेंस की प्रॉब्लम हर जगह डिस्टेंस को लेकर बहुत बड़ी चीज़ खड़ी हो जाती है। देखिए भारत में ना बहुत ही डेंस पॉपुलेशन है, बहुत सारे लोग ग्रामीण एरिया में जो है निवास करते हैं। अब बात सुनने को मानने को कोई तैयार नहीं होता है, समझ में लोगों को आता नहीं है, लेकिन मृत्यु भी उन्हीं लोगों की ज़्यादा हो रही है जो सबसे ज़्यादा लापरवाह हैं। लापरवाही नहीं करनी चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी चाहिए। अब तो सरकार ने भी 1,000 रुपये का मास्क पे जुर्माना लगा दिया है, मास्क ना लगाने पर, तो काफ़ी लोगों ने जुर्माना की वजह से मास्क लगाना शुरू किया है। ऐसा नहीं है, इससे भी पार पाया जाएगा, ये पेंडेमिक कम होगा, हम उभर के आएंगे दोबारा से। सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, प्रशासन भी कोशिश कर रहा है, सभी लोग कोशिश कर रहे हैं, आप लोग कोशिश कर रहे हैं। सर गाइडलाइन जारी हो रही है मगर सर गाइडलाइन को फॉलो तो नहीं कर रहा। देखिए मेरे यहाँ पे आपकी कमी को कहा जाए या डॉक्टर की कमी कहा जाए, कहीं ना कहीं दोनों की कमी है। आप अभी यहाँ पर आधा घंटा रुकिए, अभी पेशेंट्स की भीड़ होने वाली है। ओपीडी के लिए 7 स्टाफ को लगाया गया है वो भीड़ को मैनेज करने के लिए, उसके बावजूद भी लोग सुनते नहीं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते। अब क्या किया जाए, जगह मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा है, वेटिंग एरिया मेरे यहाँ नॉर्म्स से भी ज़्यादा है, बाहर मेरे यहाँ पे कम से कम 30 कुर्सियाँ पड़ी होती हैं, लेकिन जब लोग नहीं सुनते क्या किया जाए, उन्हें मानना चाहिए, समझना चाहिए, बस यही दिक्कत है। लोगों को दिक्कत है, मैं आपको बता दूं डॉक्टर साहब का ये कहना है कि लोगों को थोड़ा सा लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए इस चीज़ का कि हम एक महामारी से जूझ रहे हैं, एक महामारी में इस टाइम पर है, लोग भी इस बात को माने और डिस्टेंस बनाकर रखें, और डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है चीज़ से अगर महामारी से हमें बचना है। आप देख सकते हैं कि स्पर्श हॉस्पिटल में कितना यहाँ पर एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पर बाहर भी डिस्टेंस के लिए एरिया बनाया हुआ है कि काफ़ी यहाँ पर एरिया खुले में यहाँ पर बैठ सकते हैं पेशेंट आकर, और अंदर भी आपको दिखा दूँ किस तरीके का यहाँ माहौल है, किस तरीके से यहाँ पेशेंट आकर किस तरीके से बैठ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये भी दिखाता चलूँ, यहाँ पर एक्स्ट्रा चेयर डाल दी गई है पेशेंट के लिए स्पेशली, यहाँ पर अब पहले में और अब में थोड़ा फ़र्क यहाँ पर आ चुका है, स्पेशली यहाँ पर चेयर मंगवाई गई है और चेयर यहाँ पर डाल दी गई है कि किसी को यहाँ पर कोई दिक्कत ना हो, ज़्यादा भीड़ भड़क्का यहाँ पर इस एरिया में ना हो, ये एरिया पूरा खाली रहे। आप देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरा घूमेगा, जहाँ तक नज़र पड़ेगी आपको, यहाँ पर एक ऐसा माहौल दिखाई देगा कि लोग एक दूसरे के टच में बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्टेंसिंग यहाँ पर बनी हुई आपको मिलेगी। अगर रिसेप्शन की बात करें तो बहुत दूरी से यहाँ पर पर्ची बनवाई जाती है।